मैं तो चाहता हूं कि देश भर के विद्यार्थियों को मंदिरों पर कब्जा करके पढ़ाई करना चाहिए, और हमें ये कमरा कभी नसीब नहीं हुआ। पंख काट दो और कहो कि आसमान की ऊंचाई है, नापो कैसे नापता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार कोई पी ले तो दुनिया की कोई भी ताकत दूसरा नहीं। पन्नों और जिल्दों को उखाड़ करके एक एक पन्ने को नहीं गिना होगा, मैंने गिना है और बहुत खाक छाना। अगर किताबों के लिए धरना देने राजनीति है तो सबको राजनीति करना चाहिए। मुझे तो मालूम ही नहीं है कि जनता के बाद नेता समझता है कि नहीं समझता है। ये सारी बातें अलग की हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ सासाराम के आप नौजवान दोस्तों का जिन्होंने मुझे आने का मौका दिया। नेता नेता ही टाइप का बोलता है। ये बहुत अच्छी बात है कि मंदिर में आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और यहाँ सबसे दिलचस्प मैं एक घंटे से बैठा हुआ हूँ, मुझे यही लगा नहीं तो आजकल मंदिरों में बहुत कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं तो चाहता हूं कि देश भर के विद्यार्थियों को मंदिरों पर कब्जा करके पढ़ाई करना चाहिए। मेरी बातों से असहमति हो सकती है, लोकतंत्र है और असहमति होना ही तो लोकतंत्र होता है। अगर असहमति का अधिकार ना हो तो फिर वो लोकतंत्र नहीं है। मैं जैन कॉलेज में पढ़ता था, आरा का जैन कॉलेज, यहाँ का जैन कॉलेज नहीं, जैन कॉलेजों में क्विज करता। तो क्विज जब हम लोग सुनते हैं तो क्विज के प्रति जो हमारी आस्था है और जो हमारा जुड़ाव रहा है वो तो बरबस याद आता है। हम लोग गांव से जाते हैं और एक कमरा जब लेते हैं उस कमरे में इतनी प्राइवेसी नहीं होती कि हम पढ़ पाए। उसी प्राइवेसी के तलाश में हम कॉलेज के मैदानों तक जाते हैं। मिडिल क्लास आदमी का घर में उसको पढ़ने का एक स्पेशल कमरा नहीं होता, और हमें ये कमरा कभी नसीब नहीं हुआ जिंदगी। काश पढ़ने के लिए कमरा मिला होता और एयर कंडीशन होता तो हम भी कहीं होते। मैं आसमान की ऊंचाई दिखाने वालों से पूछता अक्सर, और कई बार तो आसमान से भी नहीं, लोग कहते हैं कि उड़ो आसमान पूरा खाली है, पंख देते तब तो उड़ते। आसमान में उड़ना तो हर कोई चाहता है, पंख तो होना चाहिए। पंख काट दो और कहो कि आसमान की ऊंचाई है, नापो कैसे नापता है, आसमान तो भी दिख रहा है। एजुकेशन ही पंख है उड़ने का इस आसमान की ऊंचाई के। हमें याद है जब मैट्रिक पास करके मेरा गाँव बहुत ही देहात में पड़ता है और बस बहुत सारे देहात के बच्चे यहाँ होंगे। हम लोग के गांव में हाई स्कूल नहीं है, आज भी नहीं है। हाई स्कूल पास करने के बाद जब आरा हम लोग गए तो हम लोग उन बच्चों से बहुत पीछे थे जो आरा शहर के उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में रहकर एक सिंगल कमरे में पढ़ा करते होंगे। लेकिन हम लोग भी गाँव के मिट्टी से गए थे, मेहनत करके दिन दिन भर जैन कॉलेज में पढ़कर एक दूसरे के साथ कंपटीशन प्रतियोगिता करके हम लोग बहुत आगे बढ़ने की कोशिश की, और वहाँ से शायद हम जब गांव से निकले होंगे तो हमने सोचा नहीं था कि हम शिक्षा का ऊंचा तालीम हासिल करेंगे, लेकिन हाँ हमारा लक्ष्य था। और इस बात को हम समझ गए थे कि शिक्षा, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो एक बार कोई पी ले तो दुनिया की कोई भी ताकत दूसरा नहीं। तो शायद इस बात को हम लोग समझ रहे थे और हम लोग तालीम हासिल करने की दिशा में आगे बढ़े। जैन कॉलेज में ग्रेजुएशन में एडमिशन हुआ। मैं कहानी इसलिए बता रहा हूं कि वो कहानी आपके साथ जुड़ी होगी। किताबें बहुत महंगी मिलती थी, फिर पढ़ने का अलग था। मेरा विषय इतिहास था, जैन कॉलेज में इतिहास के क्लासेज चला करते थे। एक प्रोफेसर थे डॉक्टर श्याम बिहारी राय, आज दुनिया में नहीं है, वो मेरे गुरु थे, उन्होंने ही सिखाया था कि कैसे पढ़ा जाता है। तो जब पढ़ाई हमने शुरू किया तो हमारी हैसियत जो आर्थिक थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि हम नई किताबें खरीद सकें। तो पुरानी किताबों के बाज़ार में शायद आप गए होंगे,
वो गांधी मैदान में, मुझे लगता है कि हर बच्चा गया होगा। कोई आदमी ग्रेजुएशन पीजी करने वाला ऐसा नहीं होगा जो गांधी मैदान के पुरानी किताबों के पुराने पन्नों और जिल्दों को उखाड़ करके एक एक पन्ने को नहीं गिना होगा। मैंने गिना है और बहुत खाक छाना। मुझे लगता है कि हर 10 दिन पर हम लोग जाते थे गांधी मैदान, और कई सारी पुरानी किताबें जो किसी के लिए कचरा हो गई होती थी, जो कचरा के डब्बे में बेच देते थे, वो किताबें वहाँ पर बिकती थी और वो खा करके हम लोग जाते थे। जैन कॉलेज में पहली लड़ाई हमारी शुरू हुई लाइब्रेरी के लिए। जैन कॉलेज में जो प्रिंसिपल ऑफिस है उसके ऊपर में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय, वो बंद रहता। हम लोगों को किसी ने कहा, शायद कोई छात्र ने कहा, यार तुम लोग इतना किताब उताब क्यों खरीदते हो, यहाँ पुस्तकालय है, इसमें पढ़ो। हम लोग को मालूम ही नहीं था कि हमारे महाविद्यालय में पुस्तकालय नाम की भी कोई चीज़ है, जबकि थी, और उसके लिए सब कुछ अलॉटमेंट था। और हम ही लोग जब एडमिशन होता था तो रशीद जब कटता था और परीक्षा फॉर्म उसमें लाइब्रेरी का फीस लिखा हुआ था, लेकिन हम नादान लोग इतना ध्यान से देखना सीखे ही नहीं थे तब तक। मतलब हमें अपने राइट्स ही नहीं पता, हमें नहीं पता था कि जिसके लिए हम पैसा भुगतान कर रहे हैं वो हमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। ये हमें किसी ने बताया ही नहीं कि तुम इसका भी हिसाब करना चाहिए कि जो तुम दे रहे हो जिस चीज़ के एवज में, जिस व्यवस्था के एवज में, वो व्यवस्था तो तुम मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तो फिर हमने वो देखा तो पाया कि भाई पुस्तकालय का, क्रीड़ा का, तमाम चीज़ों का पैसा दे रहा हो, कुछ भी नहीं मिल रहा। तब जाके पहली बार हमने धरना दिया। और उस पहली बार धरना देने से पहले मैं राजनीति से मेरा किसी तरीके का कोई संबंध नहीं था। यहाँ तक कि हम लोग सोचते भी नहीं थे कौन मुख्यमंत्री है, कौन इंदिरा का बच्चा क्या सोचे। पास करके ग्रेजुएशन में गए थे बीए पार्ट 1 में, और पहली बार किताबों के लिए हमने धरना दिया और वहां से हमारी राजनीति की शुरुआत। तो हमने कहा कि अगर किताबों के लिए धरना देना राजनीति है तो सबको राजनीति करना चाहिए। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो किताबें नहीं मिलेंगी। तो वहां से हमारी पढ़ाई भी और राजनीति की शुरुआत भी हुई। हमने अपने एकेडमी को कभी नहीं छोड़ा क्योंकि उसे बहुत दिलचस्पी थी, और जो शिक्षा की तालीम है सबसे सर्वोच्च डॉक्टरेट की उपाधि हमने बिरकुआ सिंह विश्वविद्यालय से हासिल किया। अपनी पूरी राजनीति सक्रियता के साथ और सब कुछ करते हैं। तो बहुत सारी चीज हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग भगत सिंह को पढ़े। भगत सिंह का एक बहुत ही शानदार लेख है छात्र और राजनीति, जिसमें भगत सिंह कहते हैं कि छात्रों को राजनीति करना चाहिए कि नहीं करना। भगत सिंह भी आप ही के बिरादरी से आते हैं। वो डीएवी कॉलेज लाहौर के विद्यार्थी थे और बहुत इंटेलिजेंट विद्यार्थी, और मैं ये यकीन पूर्वक कह सकता हूं जिसने भगत सिंह को पढ़ा था, इस सदी में भगत सिंह जैसा विद्वान आज तक इस धरती पर पैदा नहीं। 23 साल की उम्र में तो हम लोग क्रिकेट खेलते रहते हैं, 23 साल में वो शहीद हो, और 23 साल तक की उम्र उस आदमी ने जो लिख दिया है, आप उसको पढ़िए। जब वो लिख रहे होंगे तो 18 साल के रहे होंगे, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल में लिख रहे होंगे, और बहुत सारी बातें तो जेल में रहते उन्होंने लिखा। इतना बड़ा विद्वान आदमी जो 17 साल 18 साल के समय में जो है किसी को कहीं लेख लिख रहा है, कहीं अखबार में उसके लेख छप रहे हैं, और देश भर के नौजवानों को इंट्रोड्यूस कर रहा है, संबोधित कर रहा है, अंग्रेजी राज के खिलाफ लड़ रहा है। भगत सिंह ने स्पष्ट कहा है, वो खुद स्टूडेंट है, कि छात्र अगर राजनीति नहीं करेगा तो फिर राजनीति करेगा कौन। राजनीति कौन करेगा। स्टूडेंट एंड पॉलिटिक्स दोनों के बीच में बहुत गहरा रिलेशन है, और इसलिए अंततः पीएचडी करने के बाद हम लोग के पास लेक्चरशिप में जाने का भी अवसर था, अपॉर्चुनिटी था। मैंने लॉ भी किया, लेकिन उसके बाद हम लोगों ने सोचा कि नहीं, और राजनीति हम लोगों ने इसलिए नहीं ज्वाइन किया कि हम लोगों को विधायक बन जाना है। विधायक बनने के लिए चुनते तो विधायक वाला पार्टी चुनते हैं, हम लोगों ने चुना कम्युनिस्ट पार्टी, भाजपा माले। तो हम लोग जिंदगी खुद की बनाने के लिए राजनीति में आए नहीं। हम लोगों को लगा कि राजनीति का मकसद है सोसाइटी के अंदर नया चेतना को विकसित करना, उसके लिए काम करना, छात्रों को ये बताना कि उनके राइट्स क्या है, ये बताना कि तुम जिस चीज के लिए फी दे रहे हो वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, और उसको हासिल करने के लिए तरीका है आंदोलन करना, संघर्ष करना, लड़ना। और ये लड़ना इसलिए जरूरी है कि बिना लड़े हुए
कोई कुछ देता नहीं है, कुछ मिलता नहीं, तो इसलिए लड़ाई लड़ना जरूरी है। जैसे ही हम लोग कॉलेज में झंडा उठाए, धरना वरना दिया, बोला कि हमारा आपको नहीं, आपके घर पे लोग बोले देखा, कोरोना का लड़का तो बिगड़ी गई, सब पैसा बर्बाद कर गला, सब वगैरह से कुछ होके वाला पान। मतलब है कि शुरू से एक नया नैरेटिव सेट किया कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए। और बड़े सो कॉल्ड विद्वान लोग, मैंने इसलिए कहा, प्लीज इसमें नाराज नहीं होना, सो कॉल्ड मैं विद्वान इसलिए कह रहा हूं कि वो लोग ये कैंपेन चलाते हैं, प्रचार चलाते हैं कि छात्र हो तो धरना में मत जाओ, छात्र हो तो मीटिंग में मत जाओ, छात्र हो तो जुलूस में मत जाओ, छात्र हो तो रेलवे ट्रैक पर क्यों जाते हो, छात्र हो तो फलना क्यों। अरे कौन कर गया यार, कौन होएगा हमारे लिए। मैं दुनिया में किसी अवतार में यकीन नहीं करता, कोई अवतारी पुरुष आएंगे और सुदर्शन चक्र चला देंगे और आपकी दुनिया की सारी समस्या हल हो जाएंगे। मैं मानता हूं कि इस दुनिया को आदमी ने खुद बनाया। आप लोग इतिहास के विद्यार्थी हैं, पूर्व पसाण, अर्ध पसाण, पसाण काल और सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर वैदिक सभ्यता से लेकर के आप 22वीं सदी को पढ़ रहे हैं, मनुष्य के विकास की क्रमागत जो कहानियां हैं उससे आप सब अवगत हैं। मनुष्य ने पत्थर को पत्थर टकरा करके आग पैदा किया, इसमें मनुष्य का बड़ा आविष्कार पहिया का आविष्कार हुआ जो आज दुनिया का सबसे बड़ा आविष्कार है। ये सब कुछ मनुष्य ने ही किया, जितना यहां आविष्कार है सबको मनुष्य ने किया, सबको मनुष्यों ने किया। तो मैं समझता हूं कि अपने जिंदगी और अपने भाग्य का विधाता, अपने भविष्य का निर्माता मनुष्य खुद होता है, और उसके लिए मनुष्य को हमेशा सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत है, सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत है। इसलिए आपके भविष्य का निर्माण आपको खुद करना होगा। अगर कल छात्र रेलवे ट्रैक पर खड़े थे तो मैं तो उनके सपोर्ट में था, तो वो अपने भविष्य के लिए खड़े थे। पहला देश है भारत जो आईएएस की बहाली ऐसे ही करता, बिना परीक्षा, लैटरल इंट्री आजकल आईएएस की बहाली हो जाएगी, जज बन जाते हैं ऐसे ही, बिना परीक्षा, नो इंटरव्यू, एक कॉलेजियम बैठा, चुन दिया, फलना 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 जज हो गया। या चपरासी के लिए धू बोल जा, मैंने भेजा फ्राई टाइप का, वो सब अरे भेजा फ्राई हो गया, ये क्या चल रहा भाई। इसके लिए ट्रैक पर उतरे, इसके लिए एफआईआर हुए, कई छात्रों को पीटा गया, कई छात्र जेल गया। हमने तो एक बात कहा, लोगों ने कहा कि छात्रों ने उत्पात मचाया। पिछले दिनों मुझे याद है सासारा में भी ट्रैक जाम हुआ था 2018 में, और ये जाम हुआ था मेरे जाम करने के बाद, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं। आरा में जो रेल ट्रैक जाम हुआ था ठीक इसके पहले, उसमें मैं था और मेरे ऊपर 17 धाराएं लगी हैं एफआईआर, उसी 2018 में जो ग्रुप डी में आईटीआई को अनिवार्य कर दिया गया था, जो आरा 6 घंटे ट्रैक जाम हुआ उसमें मेरे ऊपर एफआईआर, वहां मैं छात्रों से खड़ा, 17 धाराएं जिसमें 307 और पता नहीं क्या क्या लगा। जज साहब से मैंने कहा कि मैंने किया क्या भाई, तो सरकारी संपत्ति ये कुछ भी नहीं हुआ। अश्विनी वैष्णव माननीय रेल मंत्री ने जो बाद में ट्वीट किया उसी समय कर दिए होते, विद्यार्थी घर चले जाते, माहौल कौन बना था। आरा में ट्रैक जाम हुआ, मैं खुद था, कुछ नहीं हुआ जब तक हम लोग थे, जब उधर से आए लोग वो माहौल बना करके 10,000 लड़के खड़ा है, आप आए उधर से पूरा लगता है कि यहाँ बॉर्डर पे हम लोग हमला किए हुए हैं, एकदम मार के बर्बाद कर देंगे, तो इधर से भी एक आदमी चल जाएगा, पाकिस्तानी है जी कोई। अरे बात करिए ना, बात क्यों, कोई नेता कोई से मिला ही नहीं चाहता, कोई अफसर कोई से नहीं मिलना चाहता, क्यों नहीं मिलना चाहते, क्यों मुख्यमंत्री छात्रों से नहीं मिलते। Thank you for watching this video until it is finished. If useful to you guys, please like and share this video.